Hi

क्वेश्चन था स्टूडेंट का वो आया कि मैम हमें एग्रीकल्चर के लिए जाना है हमें आईसीआर के लिए जाना है तो आप आईसीआर के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं राइट right? और आप एग्रीकल्चर में कैसे एंटर कर सकते हैं एग्रीकल्चर के कोर्स के लिए कैसे जा सकते हैं आपको किस तरह से इसका फॉर्म फिल करना है ठीक है और कितने कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको पढ़ सकती है राइट right? और किस तरह का करियर अपॉर्चुनिटी आप आगे जाकर के इसके लिए चुन सकते हो इन सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं लेकिन आप सभी लोगों को बता दू की जो भी बच्चा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए जाना चाहता है पहले ऐसा होता था कि आपको इंडिविजुअली यूजी के लिए इसके फॉर्म फिल करने पड़ते थे बट अब आपको इंडिविजुअली इसका फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका ये जो एग्जाम है है वो CUT के थ्रू ही कंडक्ट होता है। मतलब आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर दिया गया है आप सीयू का फॉर्म आराम से फिल करिए सीई का फॉर्म फिल करते टाइम आपको एक छोटा सा काम करना है जब आप यूनिवर्सिटी सेक्शन चूज कर रहे होंगे तो यूनिवर्सिटी में आप आईसीएर जरूर से जरूर एड कर लेंगे राइट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो सीई का फॉर्म फिल करते हैं और सीटी

एंटर करना चाहता है तो इट्स नॉट ट्रू अलग-अलग यूनिवर्सिटीज हैं उनके अलग-अलग कॉलेजेस हैं तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद आईसीआर में एंटर करें इसके कॉलेजेस में एंटर करें तो आप सभी लोगों को बता दूं कि आपको इसमें एंटर करने के लिए आईसीआर की साइट पर जाकर के इंडिविजुअली इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और सिर्फ ये एक ही यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है आपको ये हर यूनिवर्सिटी के साथ करना पड़ता है सी का आपका एग्जाम देने के बाद हर एक इंडिविजुअल साइट पर जाकर के आप यूनिवर्सिटी की वहां पे फॉर्म फिल करते हो और उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तब आपकी कट ऑफ के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है तो आजकल मैं देख रही हूँ कि बच्चे जो है वो धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में और अवेयर हो भी क्यों ना Go green, green, India के इतने नारे लग रहे हैं और कहीं ना कहीं इस चीज का विजन एकदम क्लियर है कि आने वाले टाइम पर इसमें आपकी जो करियर है वो बहुत अच्छी बन सकती है सो so बहुत सारे बच्चे इसमें करियर बनाना चाहते होंगे राइट तो अगर आप यूजी एग्रीकल्चर में करते हैं तो आप काफी अच्छा करियर अपना बना सकते हैं आपके पास नंबर ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज है आप आईएफएस के लिए जा सकते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए अगर आपको नबार्ड का एग्जाम तो so, अगर अगर से करते हो तो नबार्ड के लिए जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पीजी करने के बाद रिसर्च के लिए चले जाते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि आने वाले टाइम पर जब आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो इंडिविजुअली लेक्चर प्रोफेसर की जरूरत पड़ती पड़ती है जिनकी अच्छी सैलरीज होती है अच्छे रखा जाता है इसी के आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर लेते हैं क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया में कल्चर रिलेटेड अगर आप कुछ भी कर रहे हो सो so, वो एकदम फ्लरिश कर रहा है बहुत तेजी से और फिर आप ही तो हो ना इंडिया के यूथ जो आगे चल करके इंडिया के फ्यूचर को ब्राइट करोगे सो अगर आपको नहीं पता है एग्रीकल्चर के बारे में कि आप किस तरह से इसका फॉर्म फिल करो अगर आपको नहीं पता है किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है अगर आपको नहीं पता है कि कैसे मैं इसमें एंटर कर सकता हूं तो मैं यहां पर आज सब कुछ आपको बताने वाली हूँ चाहे वो सिलेबस हो चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो चाहे वो फॉर्म हो तो फिर से मैं आपको बता दूं अगर आप आईसीआर के लिए जाना चाहते हैं आप सीयू का फॉर्म फिल करें आपको पता है सत्ताईस फरवरी से आपका जो सीयू का एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका फरवरी से आपका का स्टार्ट हो चुका है इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला बच्चे होंगे जो अभी भी का फिल कर रहे होंगे या थोड़ा सा वेट कर रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज विजिबल नहीं होंगी जब वो यूनिवर्सिटी सेक्शन में जा रहे होंगे तो क्योंकि मेरे पास फ्लड ऑफ कॉमेंट्स आए हैं कि मैम मुझे यूनिवर्सिटी नहीं दिख रही कभी डी नहीं दिख रहा कभी बस नहीं दिख रहा कभी कुछ नहीं दिख रहा और ये तो मेन यूनिवर्सिटीज तो ICAR भी उनमें से एक यूनिवर्सिटी है जो कि आपको नहीं दिख रही होगी यूनिवर्सिटी सेक्शन में तो आप टेंशन मत लेना थोड़ा सा पेशेंस रखना आपको आने वाले टाइम पर वो दिख जाएगी क्योंकि इन चीजों पे अपडेशन चल रहा है और ये धीरे 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 जैसे जैसे अपडेट होती जा रही है वैसे वैसे आपको विजिबल हो रही है और कोशिश करेंगे अगर आपके पास अपना लैपटॉप है तो दस बजे के बाद ये काम करेंगे तो आपको काफी अच्छे से क्लियर विजिबिलिटी हो जाएगी और हो सकता है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी को ढूंढ रहे हो वो यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए राइट

राइट right? अब हम बात करते हैं कि मैम अगर मैं इसके लिए जाना चाहता हूँ एग्रीकल्चर के लिए तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा सो आपको कुछ नहीं करना सिर्फ सिलेबस सेक्शन में जाना है और सिलेबस सेक्शन में जो भी सीयूएटी के लिए एग्रीकल्चर का सिलेबस है वही आपको पढ़ाई यहाँ पर करनी है सो सिलेबस वही आपका जो ट्वेल्थ वाला सिलेबस है वही आपके यहाँ एग्जाम में आने वाला है

ठीक है तो ये सब आपका देख रहे हो ये सारा वीट कंट्रोल क्रॉप इरिगेशन एंड ड्रेनेज सोयल फर्टिलिटी ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी हॉर्टिकल्चर ये सब सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा जब आप पढ़ करके जाओगे और जब आप सीवीटी का फॉर्म फिल कर चुके हो और जब एग्जाम देने के लिए बैठोगे तो यही सब चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाली हैं सो so, अगर आपने ट्वेल्थ का सिलेबस अपना अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है एनसीआर अच्छे से पढ़ी हुई है सो so आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है वो यहाँ पर बाकी आपको इसको भी इंडिविजुअली प्रिपेयर करना पड़ेगा

ये बिल्कुल मत भूलना कि जब आपका सीयू का एग्जाम हो रहा है या मीन आपको इंडिविजुअल जाकर के आईसीएर की साइट पर चेक करना है कि क्या इसका काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन हो गया है या नहीं क्योंकि आपको अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है आपकी कट ऑफ के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आपको इंडिविजुअल उस पोर्टल से ही होगा तो अगर उस पोर्टल पे आप जाकर के विजिट नहीं करते हैं और सबमिशन नहीं करते हैं तो फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इस चीज को ध्यान रखें राइट बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पिछले साल पार्टिसिपेट किया बट मैक्सिमम बच्चे क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअली जाकर के इस यूनिवर्सिटी की साइड पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था इस वजह से वो यहाँ पर एडमिशन नहीं

Well, में आपको यूजी पीजी एग्जाम्स में जाना है और यूजी के लिए आप यहाँ पर चले जाएंगे फिर आप साइंस वाले सेक्शन में जाएंगे आप देखेंगे आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है हंड्रेड सब सीट्स है यहाँ पर हम बहुत ज्यादा बच्चों को एनरोल भी नहीं करेंगे ठीक है ना आपको यहाँ पर टू हंड्रेड प्लस ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी वन फिफ्टी सीरीज मिलेगी और सेवेंटी एट ई बुक्स मिल जाएंगी जिसमें आपको हर कुछ मिलने वाला है मतलब बच्चा अगर कुछ भी पढ़ना चाह रहा है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट वो पढ़ सकता है जिसमें आपको गजेंद्र सर पढ़ाएंगे आपका फिजिक्स देन आयुषी मैम आपको पढ़ाएंगे आपकी केमिस्ट्री

सिर्फ इंडिविजुअली आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं सिर्फ इंडिविजुअली बुक्स खरीदना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी तो ये भैज आपका जो फोर ट्रिपल नाइन का है आपको कितने का मिल जाएगा Fine. अब इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो वो मुझसे आप after the video, comment section में पूछ सकते हो। बट कोई भी बच्चा अगर इसके लिए पढ़ाई कर रहा है इसमें जाना चाहता है और अच्छा स्कोर करना चाहता है अपना करियर आगे बिल्ड करना चाहता है तो उसको अभी से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए सो विद मीडियर स्टूडेंट लेट मी एंड से